महावीर जी भगवान महाराज की, बोले बाबू जी महाराज की, बोले आज के आनंद की, बोले हर हर उमापति महादेव। बीजू ठीक है, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन भामाशाह गणों का। महाराज की बहुत बहुत आभार, अभिनंदन भामाशाह गणों का। यार तरबूज बोला, पूरा बोला तरबूज बोला। पधारे हैं भामाशाह श्रीमान कमल सिंह जी, पुत्र श्रीमान की। मैं आपका और जो मोहन गौशाला में लगातार जो भामाशाह आगे आ रहे हैं, किस प्रकार से गोवंश की सेवा की जा रही है? मेरा नाम लोन सिंह झाला है, मैं मोहन गौशाला का टेस्टी हूँ और बाबू जी गौशाला का अध्यक्ष हूँ। हमारे लिए सभी गौशालाएं मान लो एक प्रकार ही लगती है, जहाँ गाय है वहाँ सेवा करनी मान लो उचित है। इसमें सारे भामाशाह बाड़मेर जिले के हर कास्ट के मान लो हिंदू तो आते ही आते हैं, मुसलमान भी साथ में सेवा करने के लिए अभी कोरोना काल में तैयार है, तो इसलिए मान लो सभी लोग आ रहे हैं। थोड़ा बहुत जितना हो सके मान लो ये ऊपर से केंद्र सरकार राज्य सरकार मान लो वोटों की भक्त अगर इंसान की सेवा करनी होती है तो नेता खूब आगे आने के तैयार है। गौशाला के लिए मान लो नेता थोड़ा कमज़ोर पड़ रहा है दोनों ही पार्टी, इसलिए जितने भी भामाशाह है मीडियम साइज के वो तो जान लगा के आगे आ रहे हैं, जितने भी बड़ी लोग हैं ज़्यादा पैसे वाले वो घरों में छुपे हुए हैं, थोड़ा बहुत करुणा से भी वो पीड़ित है। इसलिए गाय की सेवा करोगे तो भगवान करेगा करुणा काल भी हट जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मौन गौशाला में पूनम है तो किस प्रकार से यहाँ गोवंश के लिए दान किया जा रहा है? आज मान लो पूनम अमावस हर दिन मान लो जितना आप लोगों को प्रेरित करते हैं, मान लो मेरी देने की इच्छा है, मैं अगर किसी को बताता नहीं हूँ तो लोग मान लो देखते आज नहीं तो कल दे दूंगा, कल नहीं तो परसों दे दूंगा, तो लोगों को मान लो प्रेरणा करने से खूब आगे आ रहे हैं। इसलिए सभी लोग जितने भी बाप जी है जितने भी लोग हैं, तो जेठ बैसा का महीना है, दो महीने के लिए सभी लोगों को जितना हो सके 1,000 1,00,000 5,000 50,000 थोड़ा थोड़ा धर्म करने से ही धन बढ़ता है। कबीर ने कहा कि धर्म करने से धन न घटे, कह गया दास कबीर। धर्म करने से एक तो धन बढ़ता है, घर में सुख शांति रहती है। धन्यवाद।
का, यहाँ पर आप क्या क्या काम करते हो और यहाँ किस प्रकार की गायों की सेवा दानदाता हो? मेरा नाम सर गुलाब सिंह दांदू, श्री मोहन गौशाला दांता बाड़मेर के अभ्यस्त प्रभु सर और बालजी परम पूज्य महंत बालजी मोहनपुरी महाराज, परम पूज्य महंत बालजी प्रतापजी महाराज साहब की सानिध्य में ये श्री मोहन गौशाला दांता बाड़मेर संचालित हो रही है। इसको सर सिस्टोमेटिक ढंग से 1990 में इसका पंजीन हुआ, जिससे लगातार तकरीबन 1100 गौवंश गौशाला में मौजूद है और गौशाला के ट्रस्टी महोदय श्रीमान लोन सिंह जी झाला साहब, श्रीमान स्वरूप जी शंकर साहब और श्रीमान मुकेश जी मालू, रोशन जी बडेरा, श्रीमान सुमेश सिंह जी और मारूड़ी गांव के पदाधिकारी, संपूर्ण गौशाला से जो गौशाला की संपूर्ण जो पदाधिकारी, अध्यक्ष महोदय रतनलाल जी, सचिव महोदय रमेश मंगल साहब और उपाध्यक्ष महोदय सरवण जी डोंगरवाल सब आगे पधार रहे हैं और लगातार जो भामा साहब, लोन सिंह जी झाला साहब, स्वरूप जी, रोशन जी बडेरा, मुकेश जी मालू जी लगातार साहब पिछले लॉकडाउन से 8 तारीख तक गौवंश को लगातार हरा चारा तरबूज गौवंश को जिमा रहे हैं, दाड़ा भेंट कर रहे हैं और स्वेच्छा से बड़ी आनंदित होकर गौवंश वितरण कर रही है और ये जी खुशी हो रही है, गौवंश आशीर्वाद दे रही है सर। विशेषकर पूर्णिमा और अमावस्या के दिन खूब सारे लोग आते हैं, तो आज भी पूर्णिमा है, आज किस प्रकार से लोग आ गए? आज बिल्कुल एकदम मेले सा माहौल है और स्वामी जी ने यहाँ विश्व शांति यज्ञ बाजी चतुर्मास के कार्यक्रम में यहाँ आयोजित किया था, भामाशाह तीर्थ सिंह ने विश्व शांति यज्ञ बनाया है यहाँ, तो उस पर वैन सिंह जी परिवार ने, पूरी परिवार ने यहाँ विश्व शांति यज्ञशाला बनाई है। इसमें लगातार प्रतिदिन आहुतियाँ देकर विश्व शांति हेतु और परिवार देश गांव की खुशहाली हेतु कामना की जा रही है और ये कोरोना नामक भयंकर महामारी के हेतु ये दुआएं कर रहे हैं, परमात्मा इसको स्वस्थ एकदम तुरंत ठीक करे और देश की खुशहाली के लिए कामना कर रहे हैं सब।